एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक्चुअली उन्हें स्टेज पे बुला लेता हूँ, बहुत कमाल की आवाज है उनकी, उनकी आवाज का मैं भी फैन हूँ, शरद केलकर। ये मेरे को पूछना, मैंने रोहित सर से कहा ये मैं पूछ के रहूंगा, प्लीज प्लीज टेल अस, यू नो इतनी अहम भूमिका एंड दैट इज नॉट इजी टू प्ले ऑन ऑन द बिग स्क्रीन, यू नो इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, इतना जोश उन्होंने हम सब में भरा है, इतना सब कुछ हम सब के लिए किया है, व्हाट डू यू हैव टू से? अगर मैं किसी से भी पूछूं या किसी को भी ऑफर किया जाए रोल, उसके क्या हाल होंगे, वो मेरे थे फर्स्ट डे जब ओम सर ने मुझे बुलाया, बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट दो बच्चे थे छोटे, एक लड़की थी कुछ 7 या 8 साल की, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के गेटअप में आया सीन करने के लिए, और उसने मुझे देखा 5 मिनट 6 मिनट और एक चीज कही उसने, क्या आपका ही स्टैचू लगा हुआ एयरपोर्ट के बाहर? एंड आई सेड इट्स अनबिलीवेबल, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, इट वॉज ओनली हिज विजन, अजय सर विजन, जिन्होंने मुझे कास्ट किया, मुझे मौका मिला, और किसी भी एक्टर के लिए राजे का रोल करना, I think it's a lifetime opportunity, or thank you so much for that, and hope you will like it. Sharad Kelkar, आप शिवाजी का role play कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी। हाँ, छत्रपति शिवाजी। I'm sorry. छत्रपति शिवाजी का role play कर रहे हैं। What is that one manly quality may have allured you? बड़ा मुश्किल है ना, because किसी ने उन्हें देखा नहीं है या कहीं लिखा नहीं गया उनके बारे में, ये एक मेरा परसेप्शन है उनके बारे में या एक डायरेक्टर का एक विजन है उनके बारे में कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे होने चाहिए, और मैंने उनकी बात रखते हुए अपने अंदर से जो मुझे लग सकता था कि जो सही बैठेगा उनके लिए, मैंने वही किया है फिल्म के अंदर, एंड होपफुली जो फर्स्ट पोस्टर आया उसका जैसा रिस्पॉन्स है, आई थिंक मैंने परीक्षा पास कर ली है। शरद, हाय। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हो और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने ली है, क्योंकि अगर कुछ गलती से गलत हो गया तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली हुई है? गलती से भी गलती ना हो, यही प्रिकॉशन ली है। नो, देखिए आप जब भी ऐसा कोई किरदार करते हैं आपको प्रिकॉशंस लेने ही है उसके अंदर, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, वही किया है मैंने, ओम सर की बात मानी है, एक्टिंग करते वक्त भी या परफॉर्मेंस के टाइम भी, क्योंकि एक आंख का इशारा यहाँ से वहाँ हुआ तो भी वो गलत हो सकता है, इतनी बारीकी से डिटेल से बताया गया है, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विद, सो मुझे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से बता दिए गए थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट।